ये सब चीज और है जो हम लोग को पढ़ना है। आर्गंट प्लेन में मतलब एक रियल एक्सिस, एक इमेजिनरी एक्सिस, हम लोग आर्गंट प्लेन को, तो आर्गंट प्लेन में कोई दो पॉइंट हो ए और बी, उनका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन अगर दिया हो से Z1 एंड Z2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो ए का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन Z1 है, यानी आप ओरिजिन से ए को ज्वाइन करता हुआ एक वेक्टर, वही है Z1, और ओरिजिन से ज्वाइन करता हुआ बी को एक वेक्टर, वही है Z2। तो अगर हम बी से ए को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर बनाएं, तो इस वेक्टर को हम लोग लिखते हैं Z1 - Z2, यानी इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम ए से बी की तरफ एक वेक्टर पॉइंट करता हुआ बनाते तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते बाय Z2 - Z1, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का दूरी निकालना मतलब इस वेक्टर का लंबाई निकालना, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना। तो दो पॉइंट ए और बी के बीच का दूरी निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग फॉर्मूला बनाए थे, उसमें हम एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे बाय अ पेयर ऑफ नंबर्स, और दूसरा कोई पॉइंट को हम लोग अनदर पेयर ऑफ नंबर्स, और इन दोनों के बीच जब दूरी निकालना होता था तो हम लोग एक फॉर्मूला बनाए, डिस्टेंस फॉर्मूला, √(x1 - x2)² और √(y1 - y2)² को ऐड करके स्क्वायर रूट ले लिए, हमको निकल गया द डिस्टेंस बिटवीन ए। तो वैसा ही एक फॉर्मूला हम लोग आर्गन प्लेन के लिए भी बना रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा में भी बनाए थे। अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी एक पॉइंट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो ए और दूसरे पॉइंट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बी, और हमको उन दोनों पॉइंट्स के बीच का दूरी चाहिए, तो हम पहले उन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर लिख लेते थे, या तो बी माइनस ए या ए माइनस बी, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते थे। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोई भी वेक्टर लिखिएगा तो वो समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप के शक्ल का होगा, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना मतलब √(x²+y²+z²। तो वहां भी एक फॉर्मूला था हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यहां भी एक फॉर्मूला हम लोग बना लिए हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक पॉइंट ए का हम कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन दे देंगे 3+4i, और दूसरे पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन -5+2i, और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स पूछेंगे, तो आप पहले Z1 - Z2 या Z2 - Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करेंगे 8+2i, और तब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे जो कि √(8²+2²). हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस रूप में लिखा हो, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं, इसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, लेकिन अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम कहें कि पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, यानी मैग्नीट्यूड गुने e^i (argument) इस रूप में, तो मैग्नीट्यूड इसका होगा √(real)² + (imaginary)² और जो आर्ग्यूमेंट होगा वो एंगल होगा tan-inverse (imaginary)/real)। तो हम लोग को अब ये पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अगर वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हो, और आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते। अभी फॉर्मूला हम लोग रट लिए, दूसरा फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। अगर ए और बी दो पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन दिया हो आर्गंट प्लेन में, और लाइन ज्वाइनिंग ए बी पर हम एक पॉइंट पी कहें कि लोकेट कीजिए, उसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन खोजिए जो m:n रेशियो में डिवाइड करता हो, सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी था, वेक्टर अलजेब्रा में भी था। अगर हम लोग
इन दोनों पॉइंट्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे दें ए और बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। कोई रेफरेंस फ्रेम है, ये ओरिजिन है, और ऐसा एक पॉइंट पी कहें कि लोकेट कीजिए जो एम इज टू एन रेशियो में बांटता हो, तो इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा निकालिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स देते हैं एक्स वन वाई वन, टू डायमेंशन में है तो एक जोड़ा नंबर, थ्री डायमेंशन में है तो एक्स वन वाई वन जेड वन, और बी का कोऑर्डिनेट्स देते हैं। और अब हम कहते हैं कि पी का कोऑर्डिनेट्स निकालिए, आर्गन प्लेन में है तो हम ए का पोजिशन को इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, समथिंग प्लस आई टाइम्स समथिंग, और बी का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन देंगे ऐसे, और फिर कहेंगे कि पी का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन बताइए, यानी आप समथिंग प्लस आई टाइम्स समथिंग खोज के बताइए। द फॉर्मूला इज सेम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता था वो एम इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एन इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट बटे एम प्लस एन। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन बटे एम प्लस एन। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट वेक्टर अलजेब्रा में, अगर इस वेक्टर को हम r मान लें तो ये वेक्टर हो गया r माइनस ए और ये वेक्टर हो गया b माइनस r। अब ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, सेम डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड्स का अनुपात m इज टू n है, यानी इस बात को ऐसे लिखते हैं वेक्टर r माइनस वेक्टर a बटे m इज इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर r बटे n। दोनों को एक स्केलर से गुना कर दिए हैं, वन बाई टे एम गुने दिस वेक्टर इक्वल वन बटे एन गुने दिस वेक्टर, और इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको r का वैल्यू निकल जाता था, सेम फॉर्मूला आता था, m इंटू पोजिशन वेक्टर b प्लस एन इंटू पोजिशन वेक्टर ए बटे एम प्लस ए। ऐसा ही एक सिमिलर फॉर्मूला यहां भी है, हमको इसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन z1 है और इसका z2 है, इसका z है, ये वेक्टर है z1। अब यहां से वहां तक ज्वाइन करने वाला वेक्टर हो को z माइनस z1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इस वेक्टर को z2 माइनस z से रिप्रेजेंट करें, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग वेक्टर वाला सब अलजेब्रा फॉलो करते हैं, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में एक वेक्टर है इन द आर्गन प्लेन ऑफ सम मैग्नीट्यूड एंड सम डायरेक्शन। अब z निकालना है, अब यहां पे ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, यानी सेम डायरेक्शन में, यानी कि जो रियल एक्सिस है उससे जो झुकाव है वो दोनों का सेम है, और दोनों का मैग्नीट्यूड्स का अनुपात m इज टू n है। इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, z माइनस z1 बटे m मस्ट इक्वल z2 माइनस z बटे m। इससे हमको z का वैल्यू निकल जाता है m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 बटे m प्लस n। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ऐसा होता इस दिशा में z1, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस दिशा में होता z2, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर 2 इज टू 3 रेशियो में होता, 2 इज टू 3 रेशियो में ऐसा आपको बोलते, तो आप सिर्फ इतना ही लिखते मॉड z1 बटे 2 इक्वल्स मॉड z2 बटे 3। दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है, खाली हम मैग्नीट्यूड्स के बारे में अगर आपको कहते कि 2 इज टू 3 रेशियो में है तो उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसा आप लिखते। लेकिन यहां दो जानकारी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट सेम है, दिशा सेम। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इस दिशा में है और इसी दिशा में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जो इससे तिगुना साइज का हो तो उसको z2 कहें, तो z2 इक्वल टू 3 टाइम्स z1 लिख सकते हैं।
जैसे कि वेक्टर में हम लोग एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ प्योरली रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो चूंकि यहाँ पे ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम दिशा में है, यानी दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज सम स्केलर टाइम्स दिस वेक्टर, और वो किस नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं वही मैग्नीट्यूड्स का जो रेशियो है, इन दोनों बातों को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट हम लिखे हैं। यहां मतलब दो बात बोले, ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में है, माने दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड्स का रेशियो m इज टू n है, और इस प्रकार हमको इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन मिल गया, उसको हम लोग याद कर लिए। दो संभावना है, ऐसा एक पॉइंट जो m इज टू n रेशियो में बांटे वो इस लाइन पे इन दोनों के बीच में भी एग्जिस्ट कर सकता है एक ऐसा पॉइंट, या एक बाहर में भी हो सकता है ऐसा पॉइंट जो m इज टू n रेशियो में डिवाइड करे एक्सटर्नल पॉइंट को। उसका कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस सब जगह केवल माइनस साइन हम लोग डाल देते थे, वेक्टर अलजेब्रा में भी ऐसा ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी वैसा ही है, एक माइनस साइन आ जाता है सब जगह, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, उसको दोबारा करने का आवश्यकता नहीं है। तो आप देख लीजिए, इसको z मान लीजिए, तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 माइनस z बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस वेक्टर को हम z1 माइनस z से रिप्रेजेंट करेंगे, इस वेक्टर को z2 माइनस z से रिप्रेजेंट करेंगे। अबरी बारी क्वेश्चन लिखेंगे z1 माइनस z बटे m मस्ट इक्वल z2 माइनस z बटे n। थोड़ा अंतर है दोनों ही क्वेश्चन में, देखिए यहां एक तरफ z माइनस z1 था और दूसरे तरफ z2 माइनस z था, जैसे कि z z1 और z2 के बीच में कहीं हो, इस बार z किसी एक तरफ है, तो z1 माइनस z है और z2 माइनस z है एक तरफ। अब सिंप्लीफाई करने पर माइनस साइन आ जाता है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, ये प्रूफ नहीं करते हैं बार बार, इसको याद कर लेते हैं। लाइन ज्वाइनिंग ए बी का इक्वेशन अगर लिखना हो, वेक्टर अलजेब्रा में भी पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर दे दें एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, है कि इस लाइन का इक्वेशन निकालिए, इस पे कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लें हम कहीं पे भी x, y, हम स्लोप्स को इक्वेट कर देते हैं, यानी y माइनस वाई वन बटे x माइनस एक्स वन, ये स्लोप हो गया ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b, एंड स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग a एंड b हो गया y2 टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो स्लोप इक्वेट कर दिए एंड यू गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, या इसी लाइन के इक्वेशन को हम एक डिटर्मिनेंट के रूप में भी लिखे थे एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन। एक्चुअली ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है जिसका वर्टिसेस हो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स वाई, पर अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये एरिया जीरो होना चाहिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसी लाइन के इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, डिटर्मिनेंट में हम अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या कॉलम तो उसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलता नहीं है, हम अगर फर्स्ट रो को ट्रांसफॉर्म कर दिए r1 बिकम्स r1 माइनस r3, और सेकेंड रो को भी ट्रांसफॉर्म कर दिए r2 बिकम्स r2 माइनस r3, यहां x माइनस x2 लिख दिए, y माइनस y2 लिख दिए, यहां वन माइनस वन जीरो, यहां एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू जीरो, और थर्ड रो को हम ट्रांसफॉर्म नहीं किए, डिटर्मिनेंट का शक्ल बदला हुआ है, बट ऐसा रो ट्रांसफॉर्मेशन करने से दिस डिटर्मिनेंट एंड दिस डिटर्मिनेंट दे आर स्टिल द सेम। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको एक्सपेंड कीजिएगा अबाउट द थर्ड कॉलम, जीरो इंटू समथिंग गया, जीरो इंटू उसका कोफैक्टर वो टर्म भी गया, और लास्ट में वन इंटू उसका कोफैक्टर, ये
यानी ये सिंप्लीफाई होकर के सिर्फ एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट रह गया। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ज्वाइनिंग टू पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 हम लोग हमेशा इसी रूप में लिखते आए हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड तेजी से ऐसे लिखते आए हैं, पर ये हम मेंशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि इस रूप में भी लिख सकते थे। इंपॉर्टेंट है कि हम इस रूप में भी लिख सकते थे। आप इसको एक्सपेंड करके देखिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इक्वल टू जीरो, वही यहां लिखा है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इक्वल टू जीरो, सेम थिंग। वेक्टर अलजेब्रा में भी हम लोग एक लाइन का इक्वेशन निकालना सीखे थे। अगर इस पॉइंट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ए है और इस पॉइंट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बी है, तो इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लीजिए, उसके पोजीशन वेक्टर को अगर हम आर कहें, तो ये वेक्टर हो गया बी माइनस ए और ये वेक्टर हो गया आर माइनस ए, और ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होगा। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं कहीं बाहर होता तो आर माइनस ए वेक्टर बी माइनस ए वेक्टर के कोलिनियर नहीं होता, क्योंकि आर माइनस ए वेक्टर कोलिनियर होगा विथ बी माइनस ए वेक्टर, यानी निश्चित रूप से दिस मस्ट बी इक्वल टू सम स्केलर टी, जहां पे टी कैन टेक एनी रियल वैल्यू, टी का कोई वैल्यू डालिए टी के स्थान पे, सम स्केलर, हर बार एक नया पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिलेगा, दोनों तरफ हम ऐड कर रहे हैं ए को, तो 1 माइनस टी टाइम्स वेक्टर ए प्लस टी टाइम्स वेक्टर बी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालिए टी का, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर मिलेगा, पर वो सारा पॉइंट्स इसी लाइन पे होगा पक्का। इस तरह से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, उसको जरा हम कट शॉर्ट कर रहे हैं, हम उसका डिटेल प्रूफ नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, केवल रिजल्ट लिख रहे हैं। कोई एक पॉइंट ए है जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन जेड वन दिया है, और कोई पॉइंट बी का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन जेड टू, तो कोई भी पॉइंट इस लाइन पे अगर कोलिनियर है ए बी के साथ, उसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन अगर जेड कहे, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जेड जेड बार वन, फर्स्ट रो में लिखा है डिटर्मिनेंट के, जेड वन बार वन, जेड टू बार वन, वो एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन से मिलता जुलता है, ये दो पॉइंट दिया हुआ है गिवन, और ये वो एक आर्बिट्ररी पॉइंट है जो उस लाइन पे है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एक सिमिलर कंडीशन है जो हम प्रूफ नहीं कर रहे, आपको बोल रहे हैं याद करने के लिए, ऐसा या वही जो यहां पे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इसी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में रिड्यूस किए थे, वैसा यहां भी कर सकते हैं। जेड ये उस आर्बिट्ररी पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है, जेड जेड बार, यानी यहां जेड समझिए लिखा हुआ है एक्स प्लस आई वाई। अगर हम इस पॉइंट के कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन को एक्स प्लस आई वाई लिखें, तो यहां जेड बार यानी एक्स माइनस आई वाई लिखा है इस डिटरमिनेंट में, जेड वन माने वो गिवन पॉइंट होगा कुछ एक्स वन प्लस आई वाई वन, और उसका कॉन्जुगेट यहां लिखना है एक्स वन माइनस आई वाई वन वन, एक्स टू प्लस आई वाई टू एक्स टू माइनस आई वाई टू वन, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निश्चित रूप से जीरो होना चाहिए अगर ये पॉइंट इसी लाइन पे है तो। तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं डिटरमिनेंट को इस तरह से, फर्स्ट रो में सब्ट्रैक्ट कर दिए थर्ड रो को, सेकेंड रो में भी सब्ट्रैक्ट कर दिए थर्ड रो को, जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखने में कैसा लगता है, जैसे एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन इक्वल टू जीरो को एक्सपेंड करें अगर फर्स्ट रो के अबाउट, दिस माइनस दिस इंटू एक्स प्लस दिस माइनस दिस इंटू वाई
प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू जीरो, यानी समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई प्लस समथिंग, इस टाइप का देखने में लगता है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। एनी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स और वाई कहें तो एक्स और वाई में एक लीनियर रिलेशन ऐसा लगता है देखने में। उसी प्रकार जैसे वेक्टर अलजेब्रा में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखने में कैसा था, देखिए यहां पे एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, ये दोनों गिवन वेक्टर्स हैं और एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है वेक्टर ए को और कोई एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है बी को और ऐड करके एक वेक्टर बनाया गया है। पर ये दोनों जो स्केलर है उनमें संबंध है। अगर हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं आपके सामने कि r इक्वल m टाइम्स a वेक्टर प्लस n टाइम्स b वेक्टर, वेयर m प्लस n मस्ट बी इक्वल टू 1। अब हम इस तरह से लिखेंगे तो भी आपको समझ जाना है कि हम एक स्ट्रेट लाइन में लाई करने वाला पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन नहीं लिखते तब हम ऐसे वेक्टर्स का बात कर रहे होते जो ए और बी का जो प्लेन है इसी प्लेन में कोई वेक्टर है, एम टाइम्स ए वेक्टर प्लस एन टाइम्स बी वेक्टर। लेकिन जब हम ये रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे कि एम प्लस एन का वैल्यू वन होना चाहिए, अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे तब सिर्फ इसी लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट्स अब मिलेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वेक्टर अलजेब्रा में और अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो जानना जरूरी है। आप इवेंचुअली रटते हैं इन सब बातों को, एग्जाम में जाकर के फिर से नहीं प्लान करते हैं। जिसको ये बात सब याद नहीं है वो एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो, हम भी बैठे हों एग्जामिनेशन हॉल में। अगर हमको याद नहीं है हम उसी समय डिराइव करना शुरू करें then I am a loser। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिखने में ऐसा लगता है। वेक्टर अलजेब्रा में एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा लगता है देखने में, समथिंग इनटू वेक्टर ए प्लस समथिंग इनटू बी वेक्टर, वेयर एम प्लस एन मस्ट इक्वल वन। आप इसमें m के जगह लिख सकते हैं 1 माइनस एन, या यहां m रहने दें और यहां पे लिख दें 1 माइनस एन, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। अब आर्गेंड प्लेन में किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का शक्ल देखने में ऐसा होता है, इसको एक्सपेंड कीजिए तो दिस माइनस दिस इंटू जेड प्लस दिस माइनस दिस इंटू जेड बार लिख रहे हैं, जेड वन बार माइनस जेड टू बार गुने जेड प्लस जेड टू माइनस जेड वन गुने जेड बार प्लस जेड वन जेड टू बार माइनस जेड वन बार जेड टू इक्वल टू जीरो। जरूरी है समझना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समथिंग इनटू एक्स प्लस समथिंग इनटू वाई प्लस समथिंग, जहां एक्स कॉमा वाई कोई भी पॉइंट जो उस लाइन पे लाई करता हो उसका कोऑर्डिनेट्स, और आर्गेंड प्लेन में समथिंग इनटू जेड प्लस समथिंग इनटू जेड बार प्लस समथिंग इक्वल टू जीरो, जहां की जेड उसी लाइन पे लाई करने वाला कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है। जरा इस नंबर को देखिए, ये z1 इंटू z2 बार, ये z1 बार z2, ये दोनों में क्या संबंध है? अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें, लीजिए इसका कॉन्जुगेट z1 z2 बार का कॉन्जुगेट, तो वो इक्वल टू होगा z1 बार इंटू z2 बार बार विच इज z1 बार z2, यानी ये दोनों नंबर कॉन्जुगेट्स है। कोई नंबर दिया होगा ना z2, उसका कॉन्जुगेट निकाल के z1 से गुना कीजिए एक नंबर आएगा,
और यहां लिखे हैं कि z1 का कॉन्जुगेट निकाल के z2 से गुणा कीजिए, तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे का कॉन्जुगेट आएगा। अभी साबित किए, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कैसा नंबर आएगा? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और उसका कॉन्जुगेट है a माइनस आई बी, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो प्योरली रियल नंबर आता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो प्योरली इमेजिनरी नंबर आता है। यानी यहां पे ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, i टाइम्स समथिंग जैसा कोई नंबर है। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को i से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा करने से इक्वेशन नहीं बदलता, कोई भी इक्वेशन को हम किसी अन्य नंबर से गुणा कर देते हैं, अभी भी ये इक्वेशन वही रहा, मतलब अभी भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जोड़ा जोड़ा में जो नंबर्स था वह वही है, अभी भी वही सब डालने पर इसका वैल्यू शून्य होगा। तो हम अगर इस पूरे इक्वेशन को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अभी भी वही सब पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेगा ये इक्वेशन, तो हम थ्रू आउट इसको आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, अब ये वाला जो नंबर है द कॉन्स्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ जेड, कोएफिशिएंट ऑफ जेड बार एंड द कांस्टेंट टर्म, ये अब प्योरली रियल नंबर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अगर हम थ्रू आउट आई से मल्टीप्लाई करें, तो कर रहे हैं आई से मल्टीप्लाई, तो यहां आई टाइम्स इतना, आई टाइम्स इतना एंड आई टाइम्स इतना, हम एक स्ट्रेट लाइन का शक्ल दिखाना चाहते हैं कि आर्गन प्लेन में कैसा लगता है दिखने, ताकि हम कभी एक ही क्वेश्चन लिखे ना 2x प्लस 3y माइनस 7, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हम एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भाषा में। अगर हम इस तरह का एक इक्वेशन लिखें t टाइम्स 2, माइनस 1, 5 ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5 कैप k कैप प्लस 1 माइनस t टाइम्स एक और वेक्टर 3, 0, -2, और कह दें कि t इज एनी रियल नंबर, मैंने t का वैल्यूज बदल बदल के डालिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर मिलता जाएगा स्पेस में, पर आपको देख के तुरंत समझ में आ जाना है कि हम एक स्ट्रेट लाइन मिलाई करने वाले पॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं। तो उसी तरह से आर्गन प्लेन में भी हम इक्वेशन जब लिखेंगे तो आप तुरंत देख के समझ जाएंगे कि हम एक स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको हैंडसम बना रहे हैं। अब आई से मल्टीप्लाई करने पर ये जो टर्म है ये प्योरली रियल हो गया, द कांस्टेंट टर्म, और अब इन दोनों नंबर्स को जरा देखिए, ये नंबर को अगर हम ए कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से पुकारें, ए इसका कॉन्जुगेट लेके देखते हैं क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है समथिंग प्लस आई टाइम्स समथिंग माइनस समथिंग प्लस आई टाइम्स समथिंग, इट इज समथिंग प्लस आई टाइम्स समथिंग गुने आई, अगर ये अल्फा प्लस आई बीटा हो गया, आई से गुना कर दिए तो ये आई अल्फा माइनस बीटा हो गया, यानी माइनस बीटा प्लस आई अल्फा हो गया, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम ए अगर पुकारे नाम से जेड बार के कोएफिशिएंट को, तो इसका कॉन्जुगेट देखिए क्या होता है, दिखाते हैं वो ये है इसका कॉन्जुगेट, यानी जेड का जो कोएफिशिएंट दिख रहा है और जेड बार का जो कोएफिशिएंट दिख रहा है, दीज आर जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, ये दिखाएंगे कॉन्जुगेट लेते हैं पूरे पर 12, विच मीन्स सब पे 12, जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है सब पे 12, यही हम लोग कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी सीखे। आई का बार मतलब माइनस आई, आई के जगह खाली माइनस, आई टाइम्स जेड टू बार माइनस जेड वन बार, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आई को बाहर छोड़ देते हैं, तो जेड वन बार माइनस जेड टू बार। अब हमारा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखने में हैंडसम हो गया,
इसको हम ए बार इंटू जेड लिख देते हैं, इसको ए इंटू जेड बार, इसको बी इक्वल टू जीरो, वेयर बी इज प्योरली रियल। जेड का जो कोएफिशिएंट है एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बार का कोएफिशिएंट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, मे बी खाली फाइव लिखा हो, यहां भी फाइव, क्योंकि फाइव अगर यहां लिखा होगा तो यहां उसका कॉन्जुगेट लिखना होगा, फाइव का कॉन्जुगेट फाइव, फाइव मतलब फाइव प्लस जीरो टाइम्स आई, तो इसका कॉन्जुगेट आई के जगह माइनस आई लिखना है, इट इज अगेन फाइव। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखने में ऐसा ही लगता है आर्गन प्लेन में, हम अगर ऐसा इक्वेशन लिख दे फाइव टाइम्स जेड प्लस फाइव टाइम्स जेड बार प्लस नाइन आई इक्वल टू जीरो, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं आर्गन प्लेन में, माने जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अल्फा प्लस आई बीटा टाइप का, जिसको पांच से गुना करें फिर उसके कॉन्जुगेट को गुना करें और नाइन से मल्टीप्लाई करें, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो टेन अल्फा और प्लस नाइन आई का वैल्यू जीरो होना चाहिए। अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब लिखते हैं, जैसे दो वेक्टर को इक्वल कब लिखते हैं, एक वेक्टर है ए वन ए टू ए थ्री, एक वेक्टर है बी वन बी टू बी थ्री, अगर हम कहें कि दोनों वेक्टर इक्वल है तो आपको समझना है कि सारा कॉम्पोनेंट्स इक्वल है, ए वन इक्वल ए टू, बी वन इक्वल बी टू, सी वन इक्वल सी। उसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम कहें कि इक्वल है, एक्स वन प्लस आई वाई वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक्स टू प्लस आई वाई टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कह दें कि दोनों इक्वल है तो मतलब दोनों का रियल पार्ट भी सेम होना चाहिए, दोनों का इमेजिनरी पार्ट तभी इक्वल होगा, या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड दोनों का आर्ग्यूमेंट भी सेम होना चाहिए। इक्वल का मतलब इधर जीरो प्लस आई जीरो लिखा है तो टेन अल्फा का वैल्यू जीरो होना चाहिए एंड नाइन का वैल्यू जीरो होना चाहिए, जो नहीं संभव है। मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है जो इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है, माने हम अगर आपको एक ही क्वेश्चन दे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, कहें कि इसको सॉल्व करके जेड का वैल्यू ढूंढिए, तो जेड का वैल्यू माने पहले लेट यही अल्फा प्लस आई बीटा, आपको अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू ढूंढना, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होगा, एक ही दिए हैं नहीं एक में दो है, आप लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है इट कंसिस्ट ऑफ अ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, एंड राइट हैंड साइड जो लिखा है दैट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, और बीच में इक्वल टू लिखा है तो रियल रियल को इक्वेट करेंगे एक इक्वेशन बनेगा, इमेजिनरी इमेजिनरी को इक्वेट करेंगे दूसरा इक्वेशन बनेगा। हम अगर ऐसा इक्वेशन लिख दें तो व्हाट डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, एक को नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको सेटिस्फाई करे, अब मान लीजिए होता भी आठ गो दस गो पंद्रह गो, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वो सब आर्गन प्लेन में एक लाइन में लाई करता है कि नहीं, तो हमको ये सब नहीं मेहनत करने की जरूरत है, लाइन में लाई करने वाला पॉइंट सब इस तरह से संबंधित होगा, कॉन्स्टेंट टर्म प्योरली रियल बना लीजिए ऑलवेज, हम हो सकता है आपको इक्वेशन ऐसा रूप में दें जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म प्योरली रियल ना हो, अभी मैं आई से नहीं गुना करते तो कॉन्स्टेंट टर्म प्योरली इमेजिनरी दिखता, तो आप पहले उसको प्योरली रियल बनाइए और तब देखिए कि z और z बार का जो कोएफिशिएंट्स है वो दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होना चाहिए, अगर ये सब बात सेटिस्फाई हो रहा है तो निश्चित रूप से वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ ही क्वेश्चंस लिख के चेक कर लेते हैं, 5 प्लस 2y टाइम्स z माइनस 5 माइनस 2i टाइम्स z बार प्लस 3i इक्वल टू जीरो, डस दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, तो पहला काम कीजिए i से गुना कर लीजिए, इसको प्योरली रियल बना लीजिए, तो ये माइनस 3 हो जाएगा गुना करने पर, यहां i से गुना कर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये 2i माइनस 5 लिख दिए, अब एक बार और i से गुना करेंगे तो माइनस 2 माइनस 5i माइनस 5i माइनस 2
और यहां आई से गुना कीजिएगा तो माइनस टू प्लस फाइव आई। अब ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट अगर है, जो कि है, ये माइनस टू प्लस फाइव आई है और ये माइनस टू माइनस फाइव आई, इसमें किसी को ए कह सकते हैं दूसरे को ए बार, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है पक्का। अगर यहां पे हम इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दें तो इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लीजिए थ्री माइनस टू आई से, तब वो थ्री स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तब जो भी यहां लिखा हो वो 3 माइनस टू आई से गुना होगा और ये भी 3 माइनस टू आई से। गुना करने के बाद आपको देखना होगा कि वो दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का शक्ल हम लोग को याद रहना चाहिए, आर्गन प्लेन में ऐसा होता है, या हम ऐसे भी लिख करके दे सकते हैं। देखते के साथ समझ जाना है कि हम एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया आपको लिख करके इस रूप में, एक चीज खाली निकालना हम लोग सीख लें, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालें, जस्ट इन केस क्वेश्चन में पूछ दिया जाए फाइंड दिस स्लोप, ये दिया होगा नंबर, ये सब दिया होगा, 5 प्लस टू आई टाइम्स जेड, 5 माइनस टू आई टाइम्स जेड बार प्लस 3 इक्वल टू जेड, प्योरली रियल और दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट। स्लोप निकाल दीजिए स्ट्रेट लाइन, तो क्या करना है वो स्टेप खाली सीख लीजिए। आप यहां z के जगह x प्लस आई वाई लिख दीजिए और z बार के जगह x माइनस आई वाई, देखिए लिखते के साथ क्या हो जाता है। लिखते हैं x प्लस आई वाई, मान लिए कि जो पॉइंट z इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो x प्लस आई वाई है, 5 माइनस टू आई टाइम्स एक्स माइनस आई वाई प्लस 3 इक्वल फाइव एक्स और 5x इन x, हम x वाला टर्म इकट्ठा कर रहे हैं और टर्म है एक 2i टाइम्स x है और माइनस 2i टाइम्स x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब y वाला टर्म, यहां 2i इंटू आई वाई इट इज माइनस 2y और यहां पे माइनस माइनस प्लस है और i i माइनस हो गया तो फिर माइनस 2y माइनस 4y और i टाइम्स 5y और एक माइनस आई टाइम्स फाइव वाई है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और अब कॉन्स्टेंट टर्म एक बचा, सारा टर्म हो गया इक्वल टू जीरो। नोटिस कीजिए इक्वेशन जो है दिया हुआ था आर्गन प्लेन में जेड के टर्म्स में, अब जेड के जगह जब आप एक्स प्लस आई वाई लिख दिए अब वो कार्टिजन फॉर्म में आ गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब आपको स्लोप दिख रहा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते ही वाई बराबर 10/4 यानी इसका स्लोप हो गया 5/2। तो जब भी स्लोप निकालने बोलेंगे तो आप यही काम करेंगे। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, अगर आर्गन प्लेन में एक सर्कल दिया हो उसका सेंटर का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन जेड नॉट, कॉन्जुमेट्री में हम लोग एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट लिखते सेंटर के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और यहां एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट लिखेंगे एक नंबर जिसको जेड नॉट बोलते हैं और उसका रेडियस दिया हो आर। सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कोई भी पॉइंट ले इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, अगर उसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है z, तो ये दूरी कांस्टेंट होना चाहिए। अब दूरी कैसे लिखते हैं, अभी तुरंत सीखे थे, z माइनस z नॉट का मॉड मस्ट इक्वल टू r, हो गया सर्कल का इक्वेशन। ऐसा स्टेटमेंट जब भी आप देखेंगे लिखा हुआ जहां z नॉट एक
फिक्स्ड कोई पॉइंट है, 2+3 आ गया, जेड माइनस इतना का मॉड इज इक्वल टू सम नंबर 4। आदत डालिए, जैसे कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप इस तरह का कभी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ देखते तो आप समझ जाते ना हम ऐसे पॉइंट्स का बात कर रहे हैं जो 2, -1 से ये डिस्टेंस है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए तो 2, -1 से x, y का दूरी लिखा है इक्वल टू 2, और ऐसा हर पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो सब एक सर्कल पे लाई करेगा। तो लैंग्वेज है हमारा, तो आप जैसे ही आप ऐसा इक्वेशन देखते तो समझ जाते ना कि आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कल। उसी तरह से अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भाषा में हम ऐसा लिखेंगे एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन में, और आपको समझ जाना है कि हम ऐसे पॉइंट्स का बात कर रहे हैं जिसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट इज अ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 4, यानी एक सर्कल का बात कर रहे हैं जिसका सेंटर है 2+3i पे और उस सर्कल का रेडियस है 4। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें, कॉम्प्लेक्स नंबर के भाषा में लिखना चाहें, अभी तो कुछ नहीं, सिर्फ लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज इक्वल टू 4, पर इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे करते हैं सिंप्लीफाई, वो कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी याद कीजिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इक्वल टू होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो जैसे रूट होता था ना x-α का स्क्वायर y-β का स्क्वायर बराबर r2, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करते थे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते थे। यही यहां भी कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और मॉड ऑफ एनीथिंग का स्क्वायर को लिखा जाता है दैट कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट ऐसे निकालते हैं z-2 विच इज 2-3i, i का बार इज -i, लिख दिए मस्ट इक्वल 16। हम इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं एंड मॉड जेड स्क्वायर, मॉड ऑफ याद रखना है एनीथिंग, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैन बी रिटन एज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट। अब ये एक्सपेंड करें हम लोग तो इक्वेशन का शक्ल देखिए कैसा होगा, जेड इंटू जेड बार आएगा, फिर प्लस समथिंग इंटू जेड, ये -2+3i टाइम्स जेड है, फिर समथिंग इंटू जेड बार है, इसको हम लोग -2+3i टाइम्स जेड बार, फिर प्लस दिस इंटू दिस, तो हम उसमें से माइनस कॉमन ले लें अगर, तो यहां 2+3i है और यहां से माइनस कॉमन ले लें तो 2-3i है, -16=0, ये 2² + 3² है, यानी कि 13-16-3=0। सर्कल का इक्वेशन देखने में ऐसा लगता है, हम इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -2-3 है। अब इसको नोट कर लेना है इस बात को कि सर्कल का इक्वेशन देखने में कैसा लगता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग सीखे थे, स्टार्ट किए थे सर्कल का इक्वेशन इस रूप में लिखे थे, फिर सिंप्लीफाई करके हम लोग स्क्वायर करके इस रूप में लिख दिए, फर्दर सिंप्लीफाई करके देखे कि x² + y² + something into x + something into y + something शक्ल का लगता है, ये भी उसी रूप में रिड्यूस हो जाएगा। आप अगर इस सर्कल के इक्वेशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में लिखते तो उस सर्कल का सेंटर होता 2, 3, रेडियस 4, तो उसका इक्वेशन आप लिखते x-2² y-3² = 4² एक्सपेंड करते तो कुछ इस तरह का आ जाता है x² + y, ये भी आ जाएगा
आप इसमें जेड के जगह डालिए एक्स प्लस आई वाई और जेड बार के जगह एक्स माइनस आई वाई, सब जगह सिंप्लीफाई करके देखिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और ये तो हम लोग अभी तुरंत सीखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन का जो एक्सप्रेशन होता है उसी शक्ल का है, समथिंग इंटू जेड प्लस समथिंग इंटू जेड बार प्लस समथिंग, दिस इज प्योरली रियल और ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो इसमें जेड के जगह एक्स प्लस आई वाई लिखिएगा, जेड बार के जगह एक्स माइनस आई वाई, तो ये इसी शक्ल का आ जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक सर्कल का इक्वेशन देखने में कैसा लगता है इन द आर्गेंट प्लेन, ऐसे। बस लाइन का जो इक्वेशन था ना उसका जो एक्सप्रेशन था लेफ्ट हैंड साइड उसी में एक टर्म ऐड हो गया है जेड जेड बार, जस्ट लाइक इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां की बी भूलिएगा नहीं प्योरली रियल है। और उसके बाद एक चीज सीखे थे हम लोग कि अगर इक्वेशन सर्कल का हम इस रूप में दे दें तो क्या आप पहचान लीजिएगा इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या है और उसका रेडियस क्या है। तो इस केस में हम लोग कंपेयर करके एक्सपेंड किए थे कि अगर सर्कल का इक्वेशन ऐसा है, एक्सपेंड करने पर यहां पे आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स माइनस टू बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अगर सर्कल का इक्वेशन कभी ऐसा दिया हो तो कंपेयर करके हम लोग याद कर लिए कि इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट तब माइनस जी माइनस एफ होगा, रेडियस जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी होगा रूट अंडर, यहां भी सिमिलर है। अगर आप कंपेयर कीजिए तो देखिए इस सर्कल का सेंटर था 2 प्लस 3 आई, यहां माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस 3 आई है, यानी z बार का जो कोएफिशिएंट है जिसको कि हम a लिख रहे हैं उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही है सेंटर का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन। z बार का जो कोएफिशिएंट होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल गिव यू दी सेंटर और उसका रेडियस रूट अंडर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस द कांस्टेंट टर्म, कंपेयर करने से ये मिल गया। डू नॉट एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन जिसमें हम सर्कल का इक्वेशन दे दें और उस पे आधारित कोई सवाल आपसे पूछे, तो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि आपको इस तरह का इक्वेशन लिखे तो आप समझ जाए कि हम सर्कल का बात कर रहे हैं, नथिंग बियॉन्ड दैट। सो डू नॉट अननेसेसरी वेस्ट योर टाइम इस सब में। अगर हम एक पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन दे दें z1 और एक दूसरा पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन दे दें z2 आर्गन प्लेन में, और हम कहें कि P एक ऐसा पॉइंट है कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन z जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कंडीशन लिख रहे हैं z माइनस z1 का मॉड z माइनस z2 का मॉड इक्वल। आप लैंग्वेज खाली सीखे हैं कि नहीं वो हम जरूर से टेस्ट करना चाहें। तो कुड यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे पॉइंट्स का बात कर रहे हैं। P एक ऐसा पॉइंट है जो z1 से जो दूरी है और z2 से जो दूरी है वो बराबर है दूरी, यानी कि हम लाइन ज्वाइनिंग AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बात कर रहे हैं। ये हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस तरह का स्टेटमेंट देख के समझ जाएंगे कि हम क्या बोलना चाहें। दूसरा, अगर हम कहें कि z माइनस z1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स z माइनस z2 का मैग्नीट्यूड बटे 3, यानी कि p का जो दूरी है a से और P का जो दूरी है B से अब बराबर नहीं है, वो 2:3 अनुपात में है, 2:3
यानी ए के निकट है जाकर। तो ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं है, अनेक पॉइंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या आप समझ गए कि वो सब पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करेगा, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एक सिमिलर हम लोग बनाते हैं, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दे x1 y1 x2 y2, और ऐसा कोई पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उसका लोकस निकालिए। तो हम अगर एक्स वाई मानते हैं तो x-x1 का स्क्वायर + y-y1 का स्क्वायर √ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट ए मस्ट इक्वल x-x2 का स्क्वायर y-y2 का स्क्वायर √3। अब इसको स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कीजिए तो एक सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। करके देखिए, इधर 9 से गुना कर दे रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर 4 से इसको गुना कर रहे हैं। खाली सर्कल है, देख लीजिए, इधर एक्सपेंड कीजिएगा तो 4x² आएगा, इधर 9x² आएगा, यानी 5x², इधर 9y² और उधर 4y², तो एक 5y² आएगा। x² y² का कोफिशियंट सेम, और xy का टर्म नहीं होगा क्योंकि ये कोई नंबर है, x-some number का स्क्वायर। x² का टर्म आएगा, x1² का टर्म आएगा, और x का टर्म आएगा, x into y का टर्म नहीं आएगा। तो साबित हो गया कि ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपसे कि आप जैसे ही ऐसा बात लिखा हुआ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम एक सर्कल का बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा लिख दें कि mod of z-z1 + mod of z-z2 = mod of z1-z2, क्या लिखे हैं देखिए। P एक ऐसा पॉइंट है जिसका z1 से दूरी और z2 से जो दूरी होगा दोनों का सम बराबर है इन दोनों पॉइंट्स के बीच के दूरी के, यानी अगर z1 और z2 हम दे दें, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, वो मान लीजिए 8 यूनिट से, दिस नंबर इज से 8। तो क्या आप समझ गए हम कैसे पॉइंट्स का बात कर रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट जिसका दूरी ए से और उसका दूरी बी से दोनों का जो सम है वो इतना के बराबर है। तो ए से लेके बी तक के बीच में लाई करने वाला जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इधर से दूरी जुट करके 8 होगा, यहां ले लीजिए ये दूरी है, यहां ले लीजिए, और कोई पॉइंट नहीं है इनके अलावा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी आपको देखते के साथ समझ जाना था कि हम उस लाइन सेगमेंट का बात कर रहे हैं, टुकड़ा। इधर वाला कोई पॉइंट नहीं सेटिस्फाई करेगा, इस पॉइंट का दूरी बी से और इस पॉइंट का दूरी ए से ऐड करने पर 8 से बड़ा आ रहा है। हाँ, अगर हम कहते कि पी एक ऐसा पॉइंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पी का जो दूरी है ए से और पी का जो दूरी है बी से उनमें अंतर 8 के बराबर है, तो देखिए ये पॉइंट, ये दूरी माइनस ये दूरी 8 के बराबर है। बी के राइट हैंड साइड लाई करने वाला जितना भी पॉइंट्स है इस लाइन पे वो सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर हम इधर वाले पॉइंट्स के बारे में बोलना चाहते तो हम यहां माइनस और यहां प्लस लिखते, ये दूरी माइनस ये दूरी बराबर 8। अगर हम ऐसा कहते दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, यहां हम नंबर दे देते 8 से कोई बड़ा नंबर 10। पहले हम 8 लिखे थे जो कि एग्जैक्टली इन दोनों पॉइंट्स के बीच के दूरी के बराबर था, तो यहां से वहां तक वाला जितना पॉइंट्स था वो सब उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। अब यहां जो नंबर लिख दिए है 8 से बड़ा, तो अब पॉइंट से बाहर कहीं होगा, कहीं यहां होगा दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज 10, यहां पे भी होगा, यहां होगा, यहां होगा, डू यू रिमेंबर ये सब पॉइंट्स, इधर भी कोई एक पॉइंट होगा इससे 2 यूनिट्स की दूरी पर, ताकि दिस डिस्टेंस 1 यूनिट की दूरी पर, ताकि दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस 10 हो जाए, 8 और 1 9 हो गया ये लंबाई, एक और 10, इधर भी पॉइंट होगा, ऐसा ढेर सारा पॉइंट्स मिलेगा
एंड डू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिप्स? एलिप्स का यही तो प्रॉपर्टी है कि देर आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स फोसाई ऑफ द एलिप्स एंड एनी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस एलिप्स, उसका दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है एस वन पी और एस टू पी का जो सम है वो कॉन्स्टेंट होता है, और वो कितना के बराबर होता है, वो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस के बराबर होगा, इक्वल टू टू ए। तो अगर हम ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको समझना है कि हम एक एलिप्स का बात कर रहे हैं जिसका कि ए और बी फोसाई है, और तब उस एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी पूछ सकते हैं। कैसे? अगर मेजर एक्सिस के लंबाई को हम 2a बोलते हैं तो दोनों फोसाई के बीच का दूरी होता है 2ae, और दोनों डायरेक्ट्रिसेस के बीच का दूरी होता है ट्वाइस a by e। तो हमको 2ae का वैल्यू दे दिया गया है 8 और 2a का वैल्यू दे दिया गया है 10। दोनों को डिवाइड कर दें तो हमको एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स निकल जाएगा एक से छोटा एक नंबर, ये हम एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। यानी कि यहां जो एक स्टेटमेंट सीखे हैं ना, उसी स्टेटमेंट को आप समझे हैं कि नहीं वो हम आपसे उम्मीद करेंगे। अगर यहां पे हम नंबर दे देते 8 से छोटा, तीन सिचुएशन हम दे रहे हैं, पी एक ऐसा पॉइंट है जिसका दूरी ए और बी से का सम इक्वल टू सम कांस्टेंट, पहली बार जो दिए वो संख्या एग्जैक्टली मैच कर रहा था विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो ये लाइन का टुकड़ा रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बार हम कोई एक संख्या लिख दे 8 से बड़ा, कोई संख्या 12 14 16 18 20, थोड़ा और बड़ा एलिप्स बनेगा, तो वो एलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका एक्सेंट्रिसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर यहां हम इस दूरी से छोटा कोई नंबर लिख दें, अब कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वो ट्रायंगल्स का नियम है, कोई भी ट्रायंगल आप बनाते हैं तीन साइड है ट्रायंगल का, इस दूरी को बी और सी और इसको ए कहे, तो किसी भी दो साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से पक्का बड़ा होगा, ये ट्रायंगल का नियम है। कोई भी दो साइड दिस प्लस दिस कीजिए तो सी से बड़ा होगा। ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट थोड़ा निकट हो इस साइड के तो दिस प्लस दिस अभी भी ए से बड़ा है, थोड़ा और निकट कीजिए अभी भी दिस प्लस दिस बड़ा है, बिल्कुल इसी पर रख दीजिए तो दिस प्लस दिस इक्वल टू ए। पर अगर वो तीसरा पॉइंट जो है वो इस लाइन पे नहीं है, ये थर्ड पॉइंट कहीं भी है, तो दिस प्लस दिस हैज टू बी ग्रेटर देन दिस। आप कह रहे हैं कि P एक ऐसा पॉइंट है, PAB एक ट्रायंगल हो गया, कि PA प्लस PB का वैल्यू AB से छोटा होना चाहिए। नॉट पॉसिबल, PA प्लस PB का वैल्यू AB से बड़ा या एट मोस्ट बराबर हो सकता है अगर वो पॉइंट उसी पे लाइन करे तो, पर छोटा नहीं हो सकता है। तो हम अगर कभी ऐसा दें तो आप समझ जाएंगे दिस रिप्रेजेंट्स नथिंग, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर z जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर हम बीच में माइनस डाल दें, दो दूरी के बीच में अंतर है, ये एक दूरी है p से a का जो दूरी है, अब p से b का जो दूरी है उस दूरी में जो अंतर है वो हम दे दिए हैं 6। नाउ यू रिमेंबर हाइपरबोला, हाइपरबोला का यही प्रॉपर्टी था, दो फोसाई कोई भी पॉइंट इस टुकड़ा पे लीजिए तो दोनों फोसाई से जो उसका दूरी है S1P और S2P, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग प्रूफ किए थे इस बात को कि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x, y, इस फोकस का कोऑर्डिनेट्स AE, 0, इसका माइनस AE, 0, दो डायरेक्ट्रिसेस भी था ऐसे और ऐसे, x बराबर प्लस a बाई ई, x बराबर माइनस a बाई ई, तो इस फोकस से जो उसका दूरी होगा वो डायरेक्ट्रिक्स से दूरी निकाल करके हम लोग e से गुना कर देते हैं,
क्योंकि दिस डिस्टेंस मस्ट इक्वल ई टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, तो वो आता है ई टाइम्स एक्स माइनस ए बाई ई, यानी एक फोकस से दूरी होता है ई एक्स माइनस ए, दूसरे फोकस से इसी पॉइंट का दूरी ई एक्स प्लस ए, अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया हो एक्स, तो यहीं पे हमको मिला था द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिस्टेंसेज, ये दूरी और ये दूरी बराबर नहीं है, इन दोनों में जो अंतर है वो इक्वल टू होगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, टू ए, कोई पॉइंट लीजिए इस पे लीजिएगा तो ये दूरी छोटा और ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन अंतर जो है वो कॉन्स्टेंट है फॉर एनी पॉइंट, दिस इज ट्रू। एक ट्रायंगल बनाए यहां, ट्रायंगल का तीन साइड है S1 S2 एक साइड, S1P S2P, इन दोनों में जो अंतर है वो इतना के बराबर फिक्स्ड है, तो अगर इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो एक कांस्टेंट नंबर देते हैं 6, जो कि इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस में जो अंतर है वो इतना के बराबर है, इतना के बराबर नहीं, फोसाई के बीच का जो दूरी है उससे कम। यह भी ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक साइड ले लीजिए ट्रायंगल का, उसका जो लंबाई होगा वो निश्चित रूप से सम ऑफ द अदर टू साइड से छोटा होगा और डिफरेंस बिटवीन द टू साइड से बड़ा होगा, मतलब इन दोनों में जो भी बड़ा है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, अंतर निकाल लीजिए, तो ये लंबाई निश्चित रूप से उस अंतर से बड़ा होगा और सम से छोटा होगा, ये लॉ ऑफ कोसाइन से हम लोग प्रूफ करते हैं, वही जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी वही लिखा हुआ, जो आप लिखते हैं ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल लाई बिटवीन दिस प्लस दिस एंड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस माइनस दिस, वही लिखा है, ये लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल है, क्योंकि वेक्टर ए को अगर आप ऐसे रखे हैं वेक्टर बी को ऐसे, तो ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसका लंबाई निश्चित रूप से दिस प्लस दिस से छोटा होगा और इन दोनों में के लंबाई में जो अंतर है उससे बड़ा होगा। तो एलिप्स के केस में जब हम ऐसा कहें कि दिस प्लस दिस डिस्टेंस एक नंबर देंगे कांस्टेंट है, वो नंबर इससे बड़ा नंबर अगर देते हैं तब एलिप्स समझिएगा कि बनेगा, अगर इससे छोटा दे देंगे तो उसका मतलब कोई पॉइंट नहीं होगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और इस केस में दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस जो नंबर देंगे कांस्टेंट, वो हम S1 S2 के बीच का जो दूरी है उससे छोटा नंबर देंगे, तभी हाइपरबोला बनेगा। अब ये हाइपरबोला बनेगा और इस हाइपरबोला का आप एक्सेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, कैसे, यही हम 2a लंबाई दे दिए हैं, 2a इस केस में हम ये दूरी दे दिए थे 10 जब लिख रहे थे 8 से बड़ा नंबर, इस केस में 2a दिए 6 और 2a e बराबर 8 दिया हुआ है, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो एक्सेंट्रिसिटी इस बार एक से बड़ा नंबर आना चाहिए 8/6 यानी 4/3, अब ये बड़ा नंबर दे देंगे 8 से तो हाइपरबोला नहीं बनेगा, आप देख भी सकते हैं एक्सेंट्रिसिटी फिर एक से छोटा नंबर आने लगेगा, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये स्टेटमेंट याद हो हाइपरबोला के बारे में, टू फिक्स्ड पॉइंट्स एक वेरिएबल पॉइंट, उसका जो दूरी है दोनों फिक्स्ड पॉइंट से उसमें जो अंतर है वो एक कांस्टेंट नंबर है, अब वो नंबर Z1 Z2 में जो दूरी है उससे छोटा नंबर हम देंगे मॉड Z1 माइनस Z2 से पक्का, आपको चेक करना होगा, हम तो Z1 और Z2 दे देंगे, आपको चेक करना होगा कि वो नंबर हम छोटा दिए हैं कि नहीं, और अगर हम एग्जैक्टली 8 दे दिए तो तब आपको बता चुके हैं कि तब ये सब पॉइंट्स होगा उसी लाइन पे, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस इक्वल टू 8, तो इस पे लाई करने वाला सारा पॉइंट्स। यहां एक और चीज, अगर हम इक्वल टू 6 लिखे हैं
तो हम पूरा हाइपरबोला नहीं लिखें, क्योंकि देखिए यहां क्या लिखा है, z1 से जो दूरी है और z2 से जो दूरी है उसमें ये बड़ा है, ये दूरी, दिस माइनस दिस बराबर 6, यानी हाइपरबोला का सिर्फ एक टुकड़ा लिखें, जो दूसरा टुकड़ा होता है उसके लिए दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस बराबर 6 होता है, अगर मोड डाल देते तब पूरा हाइपरबोला हो जाता है। वहां था ना s1p माइनस s2p में जो अंतर है वो इक्वल टू 2a लिखा हुआ था, तब जाके दोनों पोर्शन रिप्रेजेंट होता था। और अगर हम यहां पे एग्जैक्टली 8 डाल दिए दीज पॉइंट्स, और अगर इतना माइनस उतना लिखे इक्वल टू 8 तो दिस पॉइंट्स, और मॉड डाल दिए तो ई सारा पॉइंट भी और ई भी सारा पॉइंट, और अगर 8 से बड़ा नंबर दे दिए, अब देयर इज नो सच पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस अंतर इससे बड़ा नंबर आप बोल रहे हैं, नॉट पॉसिबल। वो इनइक्वालिटी हम ऑलरेडी जानते हैं, लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज टू लाई बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स एंड द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। अब एक आखिरी बात पढ़ रहे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखे हैं, यूनिटी माने वन, हमको इसका क्यूब रूट निकालना है। रियल नंबर की दुनिया में जब हम थे तो हम एक ही नंबर जानते हैं जो क्यूब रूट ऑफ वन हो, वहां किसी भी नंबर का क्यूब रूट बताइएगा तो एक ही जवाब आता है, यानी कि क्यूब रूट एक वन वन फंक्शन था, क्यूब रूट का ग्राफ ऐसा था, क्यूब रूट ऑफ टू कोई एक नंबर, क्यूब रूट ऑफ थ्री कोई एक नंबर, क्यूब रूट ऑफ फोर, क्यूब रूट ऑफ वन एक नंबर, क्यूब रूट ऑफ माइनस वन कोई एक नंबर, क्यूब का ग्राफ ऐसा था। क्यूब रूट का ग्राफ उसका मिरर इमेज लेंगे, दो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाते तो ऐसे ही है, एक का ग्राफ पता हो तो उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ खाली मिरर इमेज ले लेते हैं इन द लाइन वाई बराबर एक्स। तो क्यूब रूट ऑफ वन अगर हमसे पूछा जाए तो हम रियल नंबर्स के दुनिया में एक ही नंबर ऐसा जानते हैं वन, लेकिन अब हमको इस पूरे आर्गेंट प्लेन में खोजना है ऐसा कोई नंबर जेड जिसका क्यूब कर दे तो वन आ जाए, यही ना मतलब होता है। क्यूब रूट ढूंढिए किसी भी नंबर का, एट का क्यूब रूट ढूंढिए, मान ले एक्स, मतलब एक से एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका क्यूब करने पर 8 के बराबर हो, ये मतलब होता है। हमको सिर्फ सिखाना है आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1, उसका क्यूब रूट ढूंढना है, लेट z इक्वल द क्यूब रूट ऑफ 1, यानी z क्यूब इक्वल 1, एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है z में, तीन सॉल्यूशन मिलेगा, मिलना ही है, यानी आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब चिंता नहीं है ना, पहले चिंता था कि अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिए तो कितना सॉल्यूशंस मिलेगा, कैट हो वैल्यूज ऑफ एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो पहले चिंता था हो सकता है एक भी नहीं जब हम रियल नंबर्स की दुनिया में थे, लेकिन अब तो जब भी देखेंगे क्वाड्रेटिक तो हम कहेंगे दो सॉल्यूशन, जब भी देखेंगे एक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन एक्स कोई कोएफिशिएंट दीजिए, जब रियल नंबर्स के दुनिया में हम लोग थे तब हो सकता था कि इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रियल सॉल्यूशन आता, दो इमेजिनरी, वही अल्फा प्लस आई बीटा, और दूसरा इमेजिनरी तब पक्का आता उसका कॉन्जुगेट अल्फा माइनस आई बीटा। ये हम लोग थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन सीखते वक्त बोले थे कि इमेजिनरी रूट अगर किसी पॉलिनोमियल का आता है तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ही आता है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा भी इमेजिनरी होगा और कॉन्जुगेट होगा एक दूसरे,
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बटे टू ए। अगर ये नेगेटिव नंबर है डी तो आप इसको मॉड डी इंटू आई कर दीजिए। नेगेटिव नंबर अगर है माइनस फाइव तो हम लोग उसको लिखते हैं ना माइनस वन इंटू फाइव स्क्वायर रूट, और इसको आई लिख देते हैं। तब एक रूट इसका होगा माइनस बी बाई टू ए माइनस आई टाइम्स रूट ऑफ मॉड डी बटे टू ए, एक होगा माइनस बी बटे टू ए प्लस आई टाइम्स रूट ऑफ मॉड डी बटे टू ए, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट। तो कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का इमेजिनरी सॉल्यूशंस भी हो सकता था। पहले हम लोग इमेजिनरी सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट अब पक्का है कि अब फोर्थ डिग्री दीजिएगा तो इट विल हैव फोर सॉल्यूशंस, रियल हो इमेजिनरी हो बट इट विल हैव फोर सॉल्यूशंस। सो दिस इक्वेशन विल हैव थ्री सॉल्यूशंस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम अगर कहें ना कि क्यूब रूट ढूंढ दीजिए, लेट यानी आपको इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसका तीन सॉल्यूशन आएगा पक्का। कुछ z बराबर z1, z2, z3, there will be three complex numbers, three numbers, they may be real, purely, they may be purely imaginary, they may be of the type alpha plus i beta, but इतना पक्का है कि तीन है। अर्गंड प्लेन में तीन ऐसा नंबर है जिसको क्यूब कीजिएगा तो इतना। फिफ्थ रूट कहे होते कि निकालिए तो निश्चित रूप से पांच नंबर होगा अर्गंड प्लेन में। तो आर्गन प्लेन में देर आर थ्री सच कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाउ टू सॉल्व, अभी हम लोग केवल इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं, ये जनरल तरीका नहीं सिखा रहे हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसको हम फैक्टराइज क्योंकि कर सकते हैं। एक रूट इसका दिख रहा है वन, यानी हम इस पॉलिनोमियल को जानते हैं कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बाय z माइनस वन, तो हम इसको डिवाइड कर दिए, दूसरा फैक्टर लिख दिए। अब इसका सॉल्यूशन हो गया एक z बराबर वन, अब दो इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर वन माइनस फोर विच इज माइनस थ्री बाई टू, इसको रूट थ्री आई लिख दिए, तो तीन सॉल्यूशन इसका हो गया एक z बराबर वन, एक z बराबर माइनस हाफ प्लस आई टाइम्स रूट थ्री बाई टू, और एक z बराबर माइनस हाफ माइनस आई रूट थ्री बाई टू। आप इसमें से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यूब करके देख सकते हैं वन आएगा। जैसे इसको अगर हम क्यूब कर दें a प्लस बी का क्यूब, यानी उसी को उसी से पहले तीन बार स्क्वायर कर लेते हैं पहले, फिर एक बार और मल्टीप्लाई कर, तो अंत में वन आ जाएगा। आर्गन प्लेन में जरा इनके पोजिशंस को देखिए जरा। अब महत्वपूर्ण बात, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन में प्लॉट कर रहे हैं, कहीं प्लॉट कर सकते हैं लेकिन हम यही प्लॉट कर रहे हैं, सबको ओरिजिन से बना रहे हैं वन प्लस जीरो आई माइनस हाफ प्लस आई टाइम्स रूट थ्री बाई टू, माइनस हाफ माइनस आई टाइम्स रूट थ्री बाई टू, ये दोनों तो एक दूसरे का कॉन्जुगेट दिख रहा है। देखिए ये है माइनस हाफ प्लस आई रूट थ्री बाई टू, तो ये लंबाई हो गया हाफ और ये रूट थ्री बाई टू, यानी ये एंगल हो गया 60 डिग्री, क्योंकि ये अनुपात हो गया रूट थ्री इज टू वन, तो टेन 60 डिग्री बराबर रूट थ्री, और ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है आर्ग्यूमेंट में जो अंतर है वो 120 डिग्री, ये अंतर चूंकि ये 60 था तो ये 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, रूट अंडर 1 बाई 4 प्लस 3 बाई 4, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 रूट अंडर विच इज 1। ये 1 मैग्नीट्यूड का कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका आर्ग्यूमेंट है 120 डिग्री, ये भी 1 मैग्नीट्यूड का कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका आर्ग्यूमेंट 240 बोल दीजिए या माइनस 120, यानी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम पोलर फॉर्म में कहें कि लिखिए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 1
ई टू द पावर आई जीरो, जीरो आर्ग्यूमेंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया वन ई टू द पावर आई टू पाई बाई थ्री, और ये हो गया वन ई टू द पावर आई फोर पाई बाई थ्री या माइनस टू पाई बाई थ्री, दोनों एक ही बात है। अभी तीनों नंबर को क्यूब करके दिखाते हैं वन आएगा। इसको क्यूब करने में थोड़ा कठिनाई है ना, आपको बताए थे कि मल्टीप्लीकेशन रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना और पोलार फॉर्म में करने में कौन ज्यादा सुविधाजनक है। पोलार फॉर्म में तो कर दिए मल्टीप्लाई और रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना होगा, तो हमको जब क्यूब करके दिखाना था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब करें अगर तो वन आ जाएगा, तो दिखा देंगे ए क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री टाइम्स ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखे, अब फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिखा देंगे कि ये वन होगा। लेकिन अगर हम इसी को पोलार फॉर्म में लिख दें, इसका मैग्नीट्यूड देख लिए वन और इसका आर्ग्यूमेंट देख लिए टू पाई बाई थ्री, अब इसको क्यूब करिए, बहुत आसान है, इसको क्यूब कीजिए, क्यूब तो क्यूब तो हो गया वन का क्यूब और इसका क्यूब ई टू द पावर आई टू पाई, एंड ई टू द पावर आई टू पाई इज सेम एज ई टू द पावर आई जीरो, क्योंकि ये कॉस टू पाई है प्लस आई टाइम साइन टू पाई, तो टू पाई माने जीरो। तो हम दिखा दिए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब करने पर वन आता है। गुना करके देखिए, इसको गुना कीजिए इसी से, इसका मैग्नीट्यूड वन है और आर्ग्यूमेंट 120, तो इसको इसी से गुना कीजिएगा तो मैग्नीट्यूड तो वन ही रह जाएगा, वन इंटू वन, और एंगल 120 प्लस 120 240 एंगल पे पहुंच जाइएगा, इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये मिलेगा। एक बार और इसी में गुना कीजिए इसी को, तो फिर मैग्नीट्यूड वन रह जाएगा और 120 से नच के देखिए वन मिल जाएगा, इसको क्यूब करने पर यहां पहुंच जाइएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को जब गुना करते हैं ना किसी दूसरे से तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा रोटेटेड भी हो जाता है, लंबाई भी बदला हुआ नजर आता है। आप इसी को इसी से, फिर एक बार इसी को उसको उसी से यहां पहुंच जाइएगा। इसके लिए भी दिखा सकते हैं, इसको इसी से गुना कीजिए, यानी कि ये दो 240 डिग्री पे है तो गुना कीजिएगा तो इसमें 240 से ये नच जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, वो यहीं पहुंच जाएगा 240 ये है, फिर उसमें और 240 ऐड कीजिएगा तो वो यहां पहुंच जाएगा, यानी इसको भी क्यूब कीजिएगा तो ये मिलेगा, इसको क्यूब कीजिए, इसको इसी से गुना कीजिए, 1.0 को 1.0 से गुना कीजिए, फिर 1.0 से गुना कीजिए। तो गुना कैसे करते हैं, अभी हम पोलार फॉर्म में लिखे हैं, ये मैग्नीट्यूड और ये आर्ग्यूमेंट, तो मैग्नीट्यूड्स गुना हो जाता है, गुना होते जाता है और आर्ग्यूमेंट्स ऐड होते जाता है। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 करना है, अगर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड R1 है, आर्ग्यूमेंट थीटा, R2 थीटा, R3 थीटा 3, तो गुना करने पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा मैग्नीट्यूड सब गुना होता चला जाता है, R1 R2 R3 और आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाता है, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछे होते सिर्फ तो वो इक्वल टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 बोलते, और आर्ग्यूमेंट पूछे होते इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो argz1 प्लस argz2 प्लस argz3 बोले होते। दैट इज हाउ वी हैव डिफाइंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी वन का क्यूब रूट्स, देर आर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक ये और एक ये, इसको हम सिर्फ वन बोलेंगे, इसको ओमेगा बोलते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर ये मिलता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर था पोलार फॉर्म में था वन ई टू द पावर आई टू पाई बाई थ्री, स्क्वायर करने पर मिलेगा, इसको कीजिए स्क्वायर, वन ई टू द पावर आई फोर पाई बाई थ्री, जो कि ये है। तो संक्षेप में हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी याद रखते हैं वन
ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हाँ, पर ओमेगा किसको बोल रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, माइनस हाफ प्लस आई रूट थ्री बाई टू, या पोलर फॉर्म में ई टू द पावर आई टाइम्स टू पाई बाई थ्री इंटू वन नहीं लिखे हैं, इसका तीनों क्यूब रूट मैग्नीट्यूड में वन वन और वन है। ये वन ई टू द पावर आई जीरो था, ई टू द पावर आई जीरो लिखने का जरूरत नहीं, केवल तीनों का आर्ग्यूमेंट अलग अलग है। और ध्यान से देखिए, तीनों इस 360 डिग्री एंगल को तीन बराबर हिस्सों में बांटता है। अगर हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी खोजने के लिए कहे होते, यानी आप ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते, लेट जेड बराबर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इंप्लाइज, तो हमको दिखाने का जरूरत नहीं है, ये सॉल्व करके करके दिखा रहे हैं, जेड माइनस वन इंटू जेड प्लस वन, दो तो रियल रूट आया माइनस वन वन, एक जेड स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो का सॉल्यूशन हो गया, जेड स्क्वायर बराबर माइनस वन यानी जेड बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन यानी प्लस माइनस आई, तो एक माइनस आई एक आई, देर आर फोर नंबर्स जिसको की फोर्थ पावर रेस कीजिएगा तब वन आ जाएगा। कोई को ट्राई करके देख लीजिए, इसको फोर्थ पावर कीजिए, आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई वन आई। बट इतना आसान था ये सब किए बिना ही हमको अगर बता दे कि चार जवाब मिलता है, एक ये मिलेगा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, और 360 डिग्री को चार बराबर हिस्सों में बांटता हुआ ये चार मिलेगा, यही तो है आई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड वन इस दिशा में वन वन मैग्नीट्यूड का मिलेगा। अगर फिफ्थ रूट निकाले होते तो पांच मिलता, इसका मैग्नीट्यूड वन होता और उसका आर्ग्यूमेंट होता टू पाई बाई फाइव, पांच बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, अगले का ई टू दी पावर आई आर्ग्यूमेंट होता फोर पाई बाई फाइव और टू पाई पाई फाइव फिर टू पाई बाई फाइव, इस तरह से जितना रूट्स कहिए हम लोग यूनिटी क्या खोज सकते हैं। लेकिन हमको सिर्फ तीन रूट सिलेबस में लिखा है, बताइए द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हम लोग को ये रटना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी तीनों याद होना चाहिए, पोलार फॉर्म में भी तीनों याद होना चाहिए। ई टू द पावर आई फोर पाई बाई थ्री के बजाय हम प्रीफर किए हैं माइनस टू पाई बाई थ्री लिखना, ताकि दिखे कि ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। देखिए आई के जगह माइनस आई लिखा है। और दो महत्वपूर्ण बात यहां जानना जरूरी है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में हम लोग प्रॉपर्टी का थ्योरी हम लोग पढ़े थे कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो इसका दो रूट होगा, सम ऑफ द रूट्स निश्चित रूप से माइनस बी बटे ए के बराबर होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बटे ए के बराबर होगा। और क्यूबिक इक्वेशन के केस में भी ऐसा आइडेंटिकल रिजल्ट होता है, इसका तीन रूट है अगर अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ द रूट्स निश्चित रूप से इक्वल टू होगा माइनस बी बटे ए, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम जोड़ा जोड़ा में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निश्चित रूप से प्लस सी बटे ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निश्चित रूप से माइनस डी बटे ए। तो यहां देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसका जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो है, जेड का कोएफिशिएंट जीरो है और कांस्टेंट टर्म माइनस वन है, तो सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू होगा माइनस जीरो बटे वन यानी जीरो, यही लिखे हैं सम ऑफ द रूट्स वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जीरो होगा। और एक लास्ट वाला लिखे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन तीनों का प्रोडक्ट यानी ओमेगा क्यू इक्वल टू होगा माइनस आएगा माइनस प्लस माइनस ऑफ माइनस वन बटे वन इक्वल टू वन होगा। ये हम लोग यहां से चेक भी कर लीजिए, तीनों को ऐड करने पर जीरो आता है कि नहीं, कीजिए ना ऐड, इमेजिनरी पार्ट दोनों का कैंसिल हो गया, रियल पार्ट माइनस हाफ जुट के माइनस वन और वन के साथ ऐड करके जीरो हो गया। और यहां चित्र में भी देख लीजिए तीन वेक्टर है ना, इस वेक्टर को अगर हम यहां बनाए होते
इस वेक्टर को यहां दिस प्लस दिस प्लस दिस जुट करके एक क्लोज्ड ट्रायंगल बन जाता, जहां से शुरू करते बनाना चित्र वहीं समाप्त होता। तो ऐसा वेक्टर्स अगर अरेंज करने पे अगर क्लोज हो जाए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस का वैल्यू पूछे तो नल वेक्टर। तो यहां चित्र में भी दिख रहा है इनका जो पोजिशनिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वो इस तरह से है कि उनका सम जीरो है एंड क्यूब ऑफ ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू वन। क्यूब करके देख लीजिए, इसको क्यूब कीजिए, जब भी गुना करना हो ना, गुना कर रहे हैं आप तो प्रिफर दी पोलर फॉर्म। अब इसको क्यूब करके देखने में थोड़ा मेहनत लगेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो प्रिफर दी रेक्टेंगुलर फॉर्म, गुना करना हो तो प्रिफर दी पोलर फॉर्म। इसको गुना क्यूब करके देखिए, e टू दी पावर आई टू पाई बाई थ्री का क्यूब विच इज e टू दी पावर आई टू पाई बाई थ्री इंटू थ्री, क्यूब का मतलब यही होता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ए टू दी पावर फाइव का क्यूब मीन्स ए टू दी पावर फाइव इंटू थ्री, तो e टू दी पावर आई टू पाई बचेगा एंड e टू दी पावर आई टू पाई मतलब e टू दी पावर आई जीरो विच इज वन। ये हम लोग के सिलेबस में है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हम ऐड कर दिए हैं एक छोटा सा बात जो सिलेबस में नहीं लिखा है, क्यूब रूट्स ऑफ माइनस वन, यानी हम माइनस वन कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला है, रियल पार्ट माइनस वन इमेजिनरी पार्ट जीरो। इसके क्यूब रूट को हम जेड मान लें तो हमको जेड क्यूब बराबर माइनस वन यानी जेड क्यूब प्लस वन बराबर जीरो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, जो यहां पे बड़ी आसानी से हम लोग इसका एक फैक्टर जानते हैं। एक तो क्यूब रूट ऑफ माइनस वन जानते हैं ना, माइनस वन यानी ये निश्चित रूप से डिविजिबल होगा एग्जैक्टली बाई जेड प्लस वन, और जो दूसरा फैक्टर आता है वो ऐसा कंपेयर करते जाइए और अब इसका सॉल्यूशन एक माइनस वन आता है। अब बाकी दोनों जो आता है वो दोनों हाफ माइनस आई टाइम्स रूट थ्री बाई टू और हाफ प्लस आई टाइम्स रूट थ्री बाई टू, उसको जरा गौर से देखिएगा, हाफ माइनस आई टाइम्स रूट थ्री बाई टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर और हाफ प्लस, तो देखिए ये ओमेगा है ये माइनस ओमेगा है, ये अगर ओमेगा स्क्वायर है तो ठीक विपरीत दिशा में सेम माइनस ओमेगा स्क्वायर है और ये माइनस वन है। क्या नोटिस कराना हम चाहते हैं कि वन का जो क्यूब रूट्स है वो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है और माइनस वन का क्यूब रूट्स माइनस वन माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर है। बस इतना ही। और ये एक्सपेक्टेड क्यों था, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर हम z के जगह माइनस z लिख देते हैं, लिख के देखिए तो इट रिड्यूसेस टू दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस जो रूट्स होगा और उस इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसमें सिर्फ माइनस साइन का अंतर होना था, माइनस ओमेगा माइनस वन। ये एक यूजफुल रिजल्ट है, याद रखने में कोई बहुत मेहनत नहीं जा रहा है। कुछ यहां पे हम यूजफुल रिजल्ट्स और लिखे हैं जो इसी से संबंधित है। अगर कभी आप इस तरह का एक्सप्रेशन देखेंगे आज के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो उसको तुरंत आप प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के रूप में लिख लीजिएगा, क्योंकि अब आप जान गए हैं ना जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो का सोल्यूशन, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, इसको फैक्टराइज कर लिए ऐसे और एक सोल्यूशन वन आया, इसका सोल्यूशन आया था जो दो माइनस हाफ प्लस माइनस आई रूट थ्री बाई टू, उसको हम एक को ओमेगा नाम दे दिए और एक का नाम ओमेगा स्क्वायर, यानी हम इसको फैक्टराइज करके जेड माइनस ओमेगा इंटू जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। यही बात यहां लिखे है, बड़ा छोटा सा चीज है लेकिन मिस कर जाता है। अब जैसे आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू लिखे,
इसका जीरोज आप ढूंढे कि x इक्वल टू 3 प्लस माइनस जीरोज ढूंढ रहे हैं, 9 माइनस 8 1 हो गया बटे 2, 1, 2। तो आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं ना, अब फैक्टराइज करके x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के शक्ल में। यही बस खाली याद दिला रहे हैं हम लोग जो सीखा है कि कभी अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जैसा एक एक्सप्रेशन लिखा हो तो इसका जीरोज है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा डालिए तो ये इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, हाँ वो तो शून्य होगा, वी नो दैट। ओमेगा स्क्वायर डालिए, डाल के देखिए तब भी शून्य होगा, ओमेगा टू द पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा टू द पावर 4 का वैल्यू होगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 है, अब वो 0 होगा। तो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है, इस एक्सप्रेशन को वैनिश करा देता है एक्स के जगह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर डालने से, इसीलिए हम इस एक्सप्रेशन को इस रूप में लिख सकते हैं, जस्ट अ रिमाइंडर। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो तो अब ये, इसीलिए हम ये दूसरा वाला सिखाए कि इसको जब फैक्टराइज किए थे ना जेड क्यूब प्लस 1 को, तो वो z प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 में फैक्टराइज हुआ था, इसका एक रूट था माइनस 1 और बाकी दो था माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते थे z प्लस ओमेगा इंटू जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर। बस ये एक रिमाइंडर है यहां कि कभी ऐसा एक्सप्रेशन अगर देखते हैं क्वाड्रेटिक तो इसको तुरंत बिना हेजिटेट किए ऐसे लिखने आना चाहिए। वेयर ओमेगा क्या है वो तो अलग से याद ही है, ओमेगा हियर रिप्रेजेंट्स द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर हियर रिप्रेजेंट्स द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओमेगा का वैल्यू तो माइनस हाफ प्लस आई रूट 3/2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू उसी का स्क्वायर है पर याद कर लिए हैं माइनस हाफ माइनस आई रूट 3। अब ये तीसरा स्टेटमेंट को देखिए, एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम वाई स्क्वायर कॉमन लेके इस प्रकार लिख दे, एक्स बाई वाई का स्क्वायर प्लस एक्स बाई वाई प्लस 1। अब ये इस टाइप का है, यानी उसको हम फैक्टराइज करके x बाई वाई माइनस ओमेगा इंटू एक्स बाई वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है इन x बटे वाई। अब हम वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, एक y से इस फैक्टर को और एक y से उसको, तो यहां x माइनस ओमेगा वाई मिलेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये बहुत ही यूजफुल है। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखा हो तो यहां इस एक्सप्रेशन को जो याद कर लिया उसको ये एक्सप्रेशन याद करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एक्स के जगह खाली माइनस एक्स को लिख दिया है, इसमें सब जगह एक्स के जगह माइनस एक्स डाल दीजिए, ये बन जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये वही रह जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस, तो इसमें डालिए ना एक्स के जगह माइनस एक्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा, डालिए एक्स के जगह माइनस एक्स, तो यहां माइनस एक्स माइनस ओमेगा माइनस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस कॉमन लीजिए इट रिड्यूसेस, यानी एवेंचुअली एक ही है जो याद रखना है, बाकी सब उसी का कोरोलरीज है। नाउ दिस इज वेरी यूजफुल, याद रखना ही होगा। बिफोर वी फिनिश एक महत्वपूर्ण बात बता दें, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के समय बहुत यूजफुल है, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को अगर हम गुणा करते हैं कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर k e टू द पावर i अल्फा से, मान लीजिए ये कोई रियल नंबर है, मैग्नीट्यूड है k और आर्ग्यूमेंट अल्फा, तो ऐसा करने से
जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है उसको Z2 कहें। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि अब Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मैग्नीट्यूड में Z1 के मैग्नीट्यूड का k गुना हो जाएगा, और Z2 का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो Z1 का आर्ग्यूमेंट में अल्फा ऐड हो जाएगा। यानी पहले से अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, इसको हम कहें कि मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 times e to the power i π/4 से। बारी बारी से देखते हैं, अगर हम कहते हैं कि सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 e to the power i 0 से, तो ऐसा करने से केवल इसका मैग्नीट्यूड तिगुना हो जाता, ये रोटेट नहीं करता, ये है मेरा 3Z। लेकिन अगर आप ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से गुना कर रहे हैं Z1 को, तो अब जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसमें दोनों बदलाव दिखेगा आपको, मैग्नीट्यूड तिगुना हो चुका होगा और ये 45 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, ये बन जाएगा Z2, अगर आप इसको Z2 कहें। अगर हम सिर्फ e to the power i π/4 से गुना करते, यहां 1 है, अब मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, सिर्फ रोटेशन होता π/4 से। 3 बात बोले हैं, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करते हैं एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से जिसका आर्ग्यूमेंट 0 है, सम प्योरली रियल नंबर, आर्ग्यूमेंट 0, m माने m e to the power i 0, तो ऐसा करने से कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल जाता है, बड़ा हो सकता है या छोटा भी अगर m एक फ्रैक्शन है। अगर आप एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से गुना करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो सिर्फ रोटेशन होता है बाय अल्फा। अल्फा पॉजिटिव नंबर है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन होगा, और अल्फा नेगेटिव नंबर है तो क्लॉकवाइज। और अगर आप ऐसा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से गुना करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, एनीथिंग अदर देन 1, और उसका आर्ग्यूमेंट भी है एनीथिंग अदर देन 0, तो दोनों तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैग्नीट्यूड भी बदलता है और रोटेशन भी होता है। जैसे हम आपसे पूछें कि जेड को हम मल्टीप्लाई कर दिए आई से, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था आर्गेंट प्लेन में जेड, हम इसको आई से गुना कर दिए, अब जो बनेगा नया कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कुछ जेड प्राइम नाम से पुकारे, तो जेड प्राइम को जरा लोकेट करके बताइए। तो आप जब तक इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलार फॉर्म में नहीं ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप महसूस नहीं कर पाएंगे जो बोलना चाह रहे। आई का पोलार रिप्रेजेंटेशन है 1 e to the power i π/2, ये है आई का पोलार रिप्रेजेंटेशन। आई मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 + 1 i, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 है और आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री, तो आई से गुना करना मतलब 1 e to the power i π/2 से गुना करना मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा आई से गुना करने पर, लेकिन ये रोटेट कर जाएगा 90 डिग्री से, यानी ये है मेरा आई जेड। अगर ये जेड है तो ये है मेरा आई जेड। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहें कि गुना कर दीजिए 3 + 4 i से, और जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसको Z" तो फील करना बहुत जरूरी है, गुना करने से क्या फर्क पड़ जाता है अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा है, लेकिन इसको जैसे ही पोलार फॉर्म में लिखेगा आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा करने से क्या बदलाव हो जाएगा। 3 + 4 i मतलब 3 और 4, मैग्नीट्यूड 5 और एंगल 53 डिग्री, ये जाना पहचाना एंगल है इसलिए लिख दिए, यानी कि इसको हम लिखेंगे पोलार फॉर्म में 5 times e to the power i 53 डिग्री, इससे गुना करना है जेड को। तो अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना उसका मैग्नीट्यूड
पांच गुना होगा जेड के मैग्नीट्यूड का, इससे पांच गुना बड़ा, और 53 डिग्री से रोटेट करेंगे तो 53 डिग्री से रोटेट करेंगे और 5 टाइम्स साइज में बड़ा। यही मतलब है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस नंबर से गुना करना। सबको तो नहीं, लेकिन ये छोटा सा चीज याद रखें, अगर हम प्योरली रियल नंबर से गुना कर दें ये तुरंत समझ में आना चाहिए कि गुना साइज है, नचा नहीं। और प्योरली इमेजिनरी नंबर से गुना कर दें, प्योरली इमेजिनरी, तो आई को तुरंत इमेजिन कीजिए एज ई टू द पावर आई पाई बाई टू। सो दिस मीन्स जेड मल्टीप्लाइड बाई 3 ई टू द पावर आई पाई बाई टू। तो इस 3 के कारण मैग्नीट्यूड तिगुना हो गया होगा, और आई से गुना करना मतलब 90 डिग्री से नचा देना, ये बात याद रखिए। और माइनस आई से गुना करना, तो माइनस आई को याद कीजिए क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन, यह है माइनस आई, माइनस पाई बाई टू है उसका आर्ग्यूमेंट, यानी 1 ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई टू से गुना करना, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री से क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहें कि माइनस आई जेड से गुना कीजिए, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस आई जेड। और कहते हैं कि माइनस टू आई से गुना कर दीजिए, तो अब माइनस आई से मल्टीप्लाई करने के कारण 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और 2 के कारण मैग्नीट्यूड भी दुगुना हो जाएगा। सो दिस इज माइनस टू आई जेड। ये छोटा बात हम लोग याद रखेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय आई। 2 को अलग करके भी देख सकते हैं, माइनस आई से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, रोटेट कर दीजिए क्लॉकवाइज सेंस से, और तब फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मैग्नीट्यूड दुगुना। चलिए समाप्त आज के लिए।